मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स फॉर यू बाय अजय सर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम ट्वेल्थ क्लास का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत फिलोसफिकल टाइप का टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द मैग्नेटिक फील्ड। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नए प्रकार की फील्ड है, ये क्यों है हमारी लाइफ में, कहां से ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, अभी तक तो नहीं थी। और अभी तक फील्ड के नाम पर अगर कुछ था, थोड़ा सा अगर हम अपने फ्लैशबैक में जाएं, तो जब आप 11th क्लास में रहे होंगे, सो इन द नेम ऑफ फील्ड यू हैव हर्ड अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके बाद आप जब 12th क्लास में आ गए और आपने स्टार्टिंग का फिजिक्स अपने सिलेबस का पढ़ा, तो फील्ड के नाम पर आपने एक और दूसरे प्रकार की फील्ड पढ़ी होगी, एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ फील्ड विच इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम मैग्नेटिक फील्ड क्यों पढ़ें? अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे, अपने एकेडमिक्स में स्थान नहीं देंगे, तो क्या कुछ ऐसी फिनोमेना या कंसेप्ट है जो हम मिस कर जाएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये सिलसिलेवार तरीके से क्या ऐसा हुआ कि आज ये हमारे पास इस फॉर्म में है। तो आज का जो ये वीडियो है, ये बहुत ज्यादा बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स और टेक्निकल टर्म्स नहीं बताने वाला, ये बहुत इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। हाँ, लेकिन इस वीडियो में आपको एक बात जरूर समझ में आ जाएगी कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड को क्यों हम खारिज नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड को क्यों हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और वो घटनाएं क्या रही जिन्होंने इस बात पर जोर दिया, जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमको मैग्नेटिक फील्ड जैसा एक नया अप्रोच, एक नया कंसेप्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, सबसे पहले इंसान के द्वारा की जाने वाली उस एक्टिविटी के ऊपर, जो एक्टिविटी ही पूरी विज्ञान का आधार है, पूरी साइंस का बैकबोन है, एंड दैट एक्टिविटी, वो घटना जो इंसान करता है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसे कहा जाता है ऑब्जर्वेशन, हिंदी में इसे प्रेक्षण कहते हैं। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण, घटनाओं को देखना, घटनाओं को बहुत डिटेल में देखना। एक होता है सिर्फ आप देख रहे हैं, आपने चीजों को देखा, और दूसरा होता है आपने उन्हें ऑब्जर्वेशन किया। आपने उनका क्या किया, आपने उनका ऑब्जर्वेशन किया। जैसे कि मान लीजिए आपने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद में नीचे आई, आपने बॉल को देखा, बड़े खुश हुए, आपने ताली बजाई, आप आगे बढ़ गए। लेकिन अगर बॉल को ऊपर जाने के बाद नीचे आने तक की जो कहानी है, उस पर आपने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि ऊपर गई नीचे क्यों आई, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फील्ड, इनिशियल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट, वी बराबर जीरो, मैक्सिमम हाइट पे डैन नीचे आना, इस प्रकार फेंका तो प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट लगाना, ऐसी चीजों पर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, तो मतलब आपने एक लॉजिकल ऑब्जर्वेशन किया है, आपने डीप ऑब्जर्वेशन किया है। एक खोजी प्रवृत्ति और क्यूरियोसिटी का इंडिकेटर होता है ये, आपने काम किया है। तो इंसान के पास में क्या है, ऐसी जो मैरिट्स हैं, क्या ऐसे एडवांटेज हैं जिनके बेसिस पर आज विज्ञान, आज हमारा साइंस इतना डेवलप्ड है, वो है यही क्यूरियोसिटी, यही जिज्ञासाएं, और उसके द्वारा किया गया ऑब्जर्वेशन। अब आइए थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से हम इन ऑब्जर्वेशंस पे बात करें। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एक बॉल का एग्जाम्पल दिया, बॉल का ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करके कुछ नतीजों पर पहुंचे, तो आप किस नतीजे पर पहुंचेंगे, आप डेफिनेटली यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, आप यहाँ अर्थ और बॉल के बीच में होने वाले इंटरेक्शन की बात करेंगे। तो ये जो अर्थ और बॉल के बीच में इंटरेक्शन हुआ कि हमने तो बॉल को ऊपर फेंका, बॉल नीचे क्यों आई, अर्थ ने उसे पुल किया, ये अर्थ और बॉल के बीच में लगने वाली फोर्स है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, ये अट्रैक्टिव नेचर की होती है। इट इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो पूरी आपने ग्रेविटेशन नाम की एक ब्रांच बना के रखी हुई है, ऐसे इंटरेक्शंस को समझने के लिए, ऐसी घटनाओं को समझने के लिए, ऐसी ऑब्जर्वेशंस को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब आप 12th में आते हैं, तो आपको कुछ नए प्रकार की ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली होंगी। जैसे आपने प्लास्टिक का एक कंघा लिया, और प्लास्टिक के कंघे से आपने अपने सूखे बालों को रब किया, एंड देन आपने ये नोटिस किया कि उस प्लास्टिक के कंघे ने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। बड़ी छोटी सी घटना है, आप अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए, आपने बलून फुलाया, बालों से रब किया,
बार के पास ले गए, पता चला वो उससे जाके चिपक गया, वो उससे जाके स्टिक हो गया। मेरा प्रश्न आप सबसे ये है कि कंघे का बालों से रगड़ने के बाद कागज को चिपकाना या बलून का बालों से रगड़ने के बाद दीवार से चिपक जाना, ये घटनाएं है कैसी हैं? इन पे थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन लगाइए, इन पे आप लॉजिक लगाइए। क्या आप इस प्रकार की ये जो दो घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, क्या इन दो घटनाओं को आप किसी भी प्रकार से ग्रेविटेशनल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपने 11th क्लास में किया होगा? द आंसर इज टोटली नो। ठीक है, अब आपको यहां पर नए कॉन्सेप्ट्स की तलाश है, क्या कॉन्सेप्ट्स डेवलप किया जाए सच दैट इन घटनाओं को समझाया जाए। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होते रहे लगातार, ये डेवलपमेंट चलता रहा। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसकी कहानी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी होगी। नए कंसेप्ट बने जैसे चार्जेस, चार्ज नाम का एक नया कंसेप्ट आया, बाद में पता चला दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको नाम दे दिया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। फिर एक बड़ी जबरदस्त थ्योरी आई जिसका नाम था फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी ने हमसे ये कहा कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अपने ही जैसे किसी दूसरे या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता मतलब डायरेक्ट फोर्स का आदान प्रदान नहीं करता। ये घटना सिंगल स्टेप में नहीं होती है बल्कि ये डबल स्टेप में होती है। डबल स्टेप में कैसे होती है? चार्ज सबसे पहले अपने चारों ओर एक फील्ड एस्टेब्लिश करेगा एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो दूसरे चार्ज पे आपकी फोर्स को कम्युनिकेट करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एक ऐसे मीडिएटर का रोल प्ले करती है जो फोर्स का कम्युनिकेशन एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक करती है। यहां से फील्ड थ्योरी की शुरुआत हुई। ठीक है, फोर्स ही पढ़ रहे हैं लेकिन डायरेक्ट ना लगाकर एक तीसरे बिचौलिए या मीडिएटर के द्वारा वो फोर्स लगाई गई है, और वो जो फोर्स लगी वो जिस मीडिएटर के थ्रू लगी, यहाँ चार्जेस के केस में हमने उस मीडिएटर का नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और बकायदा पूरी थ्योरी एस्टेब्लिश है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा और मैं परिवर्तित करता हूं, थोड़ा और मैं आपसे चेंज करता हूं। लगभग साहब ये 8th century BC की घटना है जब ग्रीक्स थे, उनको एक पत्थर मिला, उनको एक ओर यानी हिंदी में कहें तो अयस्क मिला, एक ओर मिला, एक पत्थर मिला या रॉ मटेरियल मिला जिसका नाम उन्होंने दिया मैग्नेटाइट। मैग्नीशिया नाम की डिस्ट्रिक्ट में मिला है, दैट्स व्हाई मैग्नेट और मैग्नेटिज्म जैसे नाम इसके पड़े हुए। एशिया माइनर की डिस्ट्रिक्ट है मैग्नीशिया, तो ये नाम पड़ गए। अब ओर का नाम था मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट नाम का ओर मिला, और जब ध्यान दीजिएगा 8th century BC की बात है, 8th century BC की बात है, मैग्नेटाइट नाम का ओर मिला, तो ओर को मिलने के बाद में कई घटनाएं सामने आने लगी। उस समय के जो चरवाहे होते थे वो चरवाहे लकड़ी के सोल वाले जूते पहनते थे, और लकड़ी के सोल वाले जूतों को स्टिक करने के लिए कीलों को ठोकते थे, लोहे की कीलें होती थी जैसे कि घोड़े की नाल होती है ना लोहे की, इस प्रकार से। अब जब वो मैग्नेटाइट जैसे ओर के कॉन्टेक्ट में आए तो उनके जो शूज थे जिनमें लोहे की कीलें थी वो स्टिक होना शुरू हो गए, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी कि ये हो क्या रहा है, नए प्रकार का इंटरेक्शन, ये नए प्रकार का एक घटना क्या है। ठीक है, अब उस मैग्नेटाइट नाम के ओर ने क्या क्या करना शुरू किया, लोहे और लोहे के जैसे दूसरे मटेरियल्स को चिपकाना शुरू कर दिया। ये उनके लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि भाई ये अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर कैसी है। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन थोड़ा और आगे तक गया, ये देखा गया कि मैग्नेटाइट का एक विशेष प्रकार का जो टुकड़ा है वो दूसरे अपने ही जैसे मैग्नेटाइट ओर को ना सिर्फ अट्रैक्ट करता है बल्कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में वो रिपेल भी कर रहा है। तो ना सिर्फ यहाँ अट्रैक्शन वाली बात सामने आ रही है बल्कि रिपल्शन वाली बात भी सामने आ रही है। कुछ कुछ ही अट्रैक्शन और रिपल्शन वैसा ही है जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और पॉजिटिव नेगेटिव यानी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये घटनाएं सामने आती रही। इस तरह की छुटपुट 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 घटनाएं सामने आती रही, इंसान का ऑब्जर्वेशन का दायरा बढ़ता चला गया। 12th century तक, 12th century आते आते, ध्यान से सुनिएगा, 12th century AD, तो 12th century में इसी मैग्नेटाइट ओर के बेसिस पर एक छोटे से लेकिन रिवोल्यूशनरी डिवाइस को डिस्कवर किया गया, बनाया गया, और उसका नाम पड़ा मैग्नेटिक कंपास। जैसे ही ये मैग्नेटिक कंपास बना वैसे ही विश्वास कीजिए दुनिया में बहुत जबरदस्त
क्रांतियां आना शुरू हो गई। अब मैं एकदम वर्ल्ड हिस्ट्री में तो नहीं जाऊंगा, सब्जेक्ट चेंज होने का डर है, लेकिन थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। कल्पना कीजिए, अगर हम अपने भारत के इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स आए, लेकिन ब्रिटिशर्स पहले विदेशी नहीं थे जो हमारे यहां पर आए, यूरोप से। सबसे पहले पोर्चुगीज आए, तो पोर्चुगीज आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, फिर आपके डचेस आए, फ्रेंच आए, ये सब यूरोपियंस हैं, ये सब आए। आए कैसे होंगे? ये लैंड रूट से नहीं आए, ये सी रूट से आए। अब मैं आपको जिस बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूं वो ये कि क्या नेविगेशन उस समय मैग्नेटिक कंपास के बिना संभव था? द आंसर इज नो। क्यों संभव नहीं था? अब इसके डिटेल में चलते हैं। मैग्नेटिक कंपास की जब खोज हुई तो मैग्नेटिक कंपास में हमने एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन को देखा, बड़ी एक घटना, हमने असाधारण घटना देखी कि हम अपने मैग्नेटिक कंपास को कैसे तो भी उल्टा सीधा रख दें, रोटेट करवा दें, लेकिन हमेशा उस मैग्नेटिक कंपास का जो एक पॉइंट है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करके रेस्ट पे आता है। अब आप एक काम कर दें कि वो जो मैग्नेटिक नीडल आपने ली है ना, उस मैग्नेटिक नीडल का वो पॉइंट जो हमेशा अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इशारा करता है उसे रेड कलर से पेंट कर दें, और जो दूसरा सिरा है उसे व्हाइट कलर से पेंट कर दें। तो यहाँ पे एक एंड क्या बना दिया आपने? रेड। और एक एंड क्या बना दिया आपने? व्हाइट। तो अब आप दो नाम दे दें यहां पर, रेड पोल, व्हाइट पोल। नाम में इंपॉर्टेंस नहीं है स्टूडेंट्स, यहां ध्यान से सुनो, नाम महत्वपूर्ण नहीं है। आप रेड पोल और व्हाइट पोल नाम रख दो, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, आपने पोलैरिटी की चर्चा कर दी। ये पोलैरिटी ठीक वैसी ही पोलैरिटी है जैसे चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, आपने इस बात को स्वीकार किया। वैसे ही यहां हमें नहीं मालूम क्या है दो प्रकार का, हमें नहीं मालूम ये दो प्रकार का क्या है, हमने तो नाम रख दिया रेड एंड व्हाइट एंड, या हमने नाम रख दिया रेड पोल व्हाइट पोल। अब लेकिन ये नाम ज्यादा बेहतर है या वो नाम ज्यादा बेहतर है जो रखे गए और आज तक चल रहे हैं कि भाई जो मैग्नेटिक नीडल का सिरा अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा तो हम क्यों ना उसे नॉर्थ पोल नाम दे दें? तो उस नीडल के पॉइंट का नाम दे दिया नॉर्थ पोल, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसका नाम क्या दे दिया? उसका नाम दे दिया साउथ पोल। इस प्रकार से पोलैरिटी यानी पोल और नॉर्थ साउथ की तरफ इशारा करने की वजह से एक का नाम दिया गया नॉर्थ पोल और दूसरे का नाम दिया गया साउथ पोल। ये नामकरण हुए। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि ये नाम महत्वपूर्ण नहीं थे, महत्वपूर्ण बात थी हमारी ये एक्सेप्टेंस कि हमने ऑब्जर्वेशन के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमें नहीं मालूम ये क्या है जो दो प्रकार का है, लेकिन हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुछ तो है चार्ज के जैसा जो दो प्रकार का यहां पर है या हो सकता है। अब ऑब्जर्वेशंस थोड़े से और आगे बढ़े, और उन ऑब्जर्वेशंस में फिर कई महान वैज्ञानिक आए, जैसे कि एम्पेयर, जैसे कि ओस्टर्ड, जैसे कि फैराडे, जैसे कि मैक्सवेल। समय समय पर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल्स और ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आते गए। और एक और महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन का नाम आपके सामने में मैं आपको आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, स्टेडी करंट होना चाहिए, उस कंडक्टर में स्टीडी करंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नियरली कांस्टेंट आपको रखना पड़ेगा करंट का। तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर आप लें, करंट उसमें फ्लो कर रहे हैं और बगल में आप मैग्नेटिक नीडल रखें, तो मैग्नेटिक नीडल एग्जैक्टली वैसा ही बिहेवियर, वैसा ही डिफ्लेक्शन शो करती है जैसे मानो वो करंट कैरिंग कंडक्टर ना रखकर आपने कोई बार मैग्नेट रख दिया। बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन है ये। हमें इन अलग अलग बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक नई थ्योरी स्थापित करनी थी। कितने सफल हो पाए हम इस नई थ्योरी को स्थापित करने में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रही है। एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, एक एग्जांपल आपको और दे दूं, फिर मैं इन सारी कड़ियों को टाई अप करके आपके सामने रखता हूं। देखें, मान लीजिए ये मेरे पास में करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में जा रहा है, ठीक है, और आप यहां पर कोई एक चार्ज, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से रख दें, चार्ज हमारा अभी फिलहाल किस कंडीशन में है? रेस्ट की कंडीशन में है। तो जब आप इसे करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में रखेंगे तो हम चार्ज में किसी भी प्रकार से कोई कंडक्टर के द्वारा इंड्यूस्ड किया गया मोशन नोटिस नहीं करेंगे, हमारा चार्ज ऐसे ही रखा रहेगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट, आप करंट को स्टॉप कर दें,
करंट को फ्लो होना यहाँ से आप रोक दें और चार्ज जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इसे आप देखें, आप इसी डायरेक्शन में पैरेलल टू दी कंडक्टर आपको इस डायरेक्शन में इसे एक वेलोसिटी देके आगे फायर करना है, तो वेलोसिटी दे दीजिए, फायर कर दीजिए, ये वेलोसिटी लेके हमारा चार्ज आगे बढ़ता चला जाएगा। अब तीसरे ऑब्जर्वेशन में आपको ना सिर्फ चार्ज को कोई वेलोसिटी देनी है बल्कि आपको जो करंट आपने अभी रोक दिया था उसको भी फिर से इंट्रोड्यूस करना है, तो आप यहाँ पे करंट का फ्लो फिर से इंट्रोड्यूस कर दें एंड देन आप इस चार्ज को ऐसे ऐसे कैरम खेलते हैं ना, ऐसे स्ट्राइकर की तरह चार्ज को आप यहाँ पे कोई वेलोसिटी दें, आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि हमारे चार्ज ने इस ट्रेजेक्टरी को तो फॉलो ही नहीं किया बल्कि हमारा जो चार्ज है वह इस तरह से यहाँ डिफ्लेक्ट हो गया। ये है चार्ज का डिफ्लेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज का डिफ्लेक्शन। अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन, हमारे चार्ज ने ऐसे डिफ्लेक्ट क्यों किया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं नहीं है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों ओर एस सच कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पजेस करता, और उसका एक मोटा मोटा रीजन ये है कि भाई जितने यहाँ पे इसके पास अंदर पॉजिटिव चार्ज है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतने ही नेगेटिव चार्ज है। हाँ, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बेसिस पे बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है बट हम उसे अपने सिलेबस और अपने कोर्स के हिसाब से नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फिर चार्ज को डिफ्लेक्शन देने के लिए आखिर कौन सी फोर्स है जो जिम्मेदार है, या मेरे अब तक के सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस करवाए ये किस तरफ इशारा करते हैं, ये इशारा करते हैं कि हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि एक नए प्रकार का इंटरेक्शन हमारे सामने आया और उस इंटरेक्शन का नाम है मैग्नेटिक इंटरेक्शन, और ये इंटरेक्शन भी जिस फील्ड की वजह से गवर्न होगा हमें उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और उस नए प्रकार की फील्ड का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रकार मैग्नेटिक इंटरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन होता है हमारी लाइफ में, साइंस में और फिजिक्स में, बिकॉज हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है इसको एक्सेप्ट करने का। बल्कि दोस्तों सच्चाई तो ये है कि हमारे सिलेबस की बनावट कुछ ऐसी है कि हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हैं एंड देन हम मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं। रियलिटी ये भी नहीं है, रियलिटी ये है कि ये दो अलग अलग है ही नहीं, ये दो अलग अलग हो भी नहीं सकते। जहां वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। मैक्सवेल की थ्योरी आगे जाकर मैं कोई वीडियो लेक्चर बनाऊंगा तो आपके सामने रखूंगा। तो ये तो एक कंपोजिट चेहरा है, ये तो एक इंटीग्रेटेड चेहरा है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वो तो हम अपनी ईज की वजह से, हम अपने सिलेबस को थोड़ा सा सम्मान देने की वजह से, अपनी कठिनाइयों को कम करने की वजह से और बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स के इन्वॉल्वमेंट को रोकने के लिए इस एक चेहरे को दो हिस्सों में तोड़कर पढ़ते हैं, इस एक कंपोजिट पिक्चर को दो पिक्चर्स में रिजॉल्व करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनके बीच में थोड़े बहुत रिलेशन है, थोड़े बहुत इनके बीच में डिससिमिलैरिटीज हैं, लेकिन ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। बट दिस इज नॉट द ट्रुथ, सिंगल एंटिटी है, सिंगल कंपोजिट पिक्चर है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई। लास्ट में एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो नाम है ना मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे आम सहमति नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई और नाम नहीं है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से ही उसे बुलाएं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आम सहमति ना होने की वजह से इसे कई लोग अपने हिसाब से अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं, लेकिन अर्थ वही है। चाहे आप इसे मैग्नेटिक फील्ड बोलें, चाहे आप इसे मैग्नेटिक इंडक्शन बोलें, चाहे आप इसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोले, कुछ भी आप किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं, आप फ्री हैं। अलग अलग किताबों में बुलाया भी गया है अलग अलग लोगों के द्वारा, बट मेरा यहाँ पर यह कहना है कि आप इसे अगर मैग्नेटिक फील्ड बोलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो टाइप है उसे बड़ी खूबसूरती के साथ आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आज सिर्फ इतना ही, लेकिन कुछ प्रश्न है जो हमारे सामने अभी भी खड़े हुए हैं, जैसे मैथमेटिकली कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे मैग्नेटिक फील्ड को अब एक थ्योरी के तौर पे यहाँ डिजाइन करके एक्सेप्ट करें। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न, जैसे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कहते हैं जन्मदाता है, उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को बनाने वाला कौन, पोल्स, लेकिन आइसोलेटेड पोल्स तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर चार्ज, लेकिन जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो ऐसा कोई डिफ्लेक्शन या इंटरेक्शन नहीं होता है, फिर क्या, थोड़ा सा क्लू मैं आपको देता हूँ, लेकिन डिटेल में स्टडी करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। ना तो पोल
बिकॉज आइसोलेटेड पोल्स आर नॉट पॉसिबल, ना ही आप कह सकते हैं चार्ज, क्योंकि चार्ज एट रेस्ट, इट हैज नो कंसेप्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर एक क्लू यहां हमें मिलता है और वो क्लू है मूविंग चार्ज। यस, तो ये हमारे अगले वीडियो लेक्चर का ग्राउंड तैयार हो गया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जरूर मिलूंगा और तब मैं आपसे बात करूंगा एक नए टॉपिक पर, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। टिल देन प्रैक्टिस कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो लेक्चर का, और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, और मुझे इजाजत दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।